Assalamualaikum, welcome to Advanced Education. मैं सईद अब्राज़ूर आप सबको welcome करता हूँ अपने इस channel पर. I hope आप सब ठीक होंगे, अच्छे से होंगे और बहुत ही मज़े में होंगे. तो हम पढ़ रहे थे सेल, हमने पढ़ा था पिछले लेक्चर में, हमने पढ़ा था एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम. वन बाय वन हम सेल ऑर्गेनेल्स डिस्कस कर रहे थे. आप प्रीवियस वीडियोज देखिए, प्रीवियस लेक्चर्स देखिए, हमने कितना अभी तक कवर किया है. अगर हम कुछ भी स्किप नहीं करेंगे, आगे भी हम कुछ भी स्किप नहीं करेंगे, जो भी सेल ऑर्गेनेल्स है वन बाय वन हम उनको पढ़ेंगे बहुत ही मजेदार तरीके से. तो आज जो हमारा लेक्चर है, जो हमारा टॉपिक है, वो है गॉल्गी एपराइट्स. ये भी एक सेल ऑर्गेनेल्स है, तो इसके बारे में डिस्कस करेंगे. ये देखेंगे गॉल्गी एपराइट्स होती क्या है, सेल ऑर्गेनेल्स है तो इसका फंक्शन क्या, फंक्शंस भी पढ़ेंगे और गॉल्गी एपराइट्स का स्ट्रक्चर है वो भी देखेंगे. तो पहले ही गॉल्गी एपराइट्स को किसने डिस्कवर किया, डिस्क्राइब किया, फर्स्ट डिस्क्राइब गॉल्गी एपराइट्स, कैमिलो गॉल्गी. क्या नाम था उसको, क्या नाम था उसका, कैमिलो गॉल्गी. जो कैमिलो गॉल्गी है उसने डिस्क्राइब किया किसको, गॉल्गी एपराइट्स को. और कंसिस्ट्स ऑफ, ये सारे जितने भी सेल ऑर्गेनेल्स है वो मेम्ब्रेन बाउंडेड है, क्योंकि जो भी मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स होती है वो डेफिनेट शेप में पाई जाएगी. जिसका भी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स है वो जाहिर सी बात है उसका डेफिनेट शेप होगा. कंसिस्ट्स ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल्स, सिस्टर्निया एंड वैक्यूल्स. जो इसका नेटवर्क है, जो इसका नेटवर्क है वो किनके क्या क्या उसमें होता है, किसके थ्रू इसका नेटवर्क है, या तो वो वेसिकल्स का होगा, या वैक्यूल्स का होगा, या सिस्टर्निया का. इसी तरीके का गॉल्गी एपराइट्स का क्या होता है, इसी शेप में गॉल्गी एपराइट्स का ये होता है स्ट्रक्चर, नेटवर्क होता है. जो इसका नेटवर्क है वेसिकल्स, वैक्यूल्स और सिस्टर्निया का नेटवर्क. जो ये प्रेजेंट होता है प्लांट सेल में, एनिमल सेल में, दोनों में ही प्रेजेंट होता है, प्लांट सेल में भी और एनिमल सेल में भी. क्या होता है कि सिस्टर वैक्यू, हमने देखा था वेसिकल्स, ओब्लॉन्ग बैगड स्ट्रक्चर वेसिकल्स. हमने पिछले जब हमने पढ़ा था एंडोप्लाज्म रेटिकुलम तब भी हमने वेसिकल्स का जिक्र किया था. सिस्टर्निया भी हमने देखा था एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम में क्या होता है सिस्टर्निया. एंड वैक्यूल्स भी हमने देखा है प्लांट सेल और एनिमल सेल में. कहां, प्लांट सेल में वो परमानेंट होता है, एनिमल सेल में वो ये एक बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है. ये ओवरऑल अगर आप देखेंगे वैक्यूल्स और वेसिकल्स का जो स्ट्रक्चर है वो सेम ही रहता है, वो सेम ही रहता है. अब देखिए ये वैक्यूल्स है, ये क्या करेंगे, स्टोरेज करेंगे, सैक स्टोरेज किन चीजों की करेंगे, ग्लूकोज की करेंगे, जो हमने पिछले लेक्चर में देखा था. तो आप भी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे क्या वैक्यूल्स क्या स्टोरेज करेंगे, सैक स्टोरेज करेंगे. तो इसके बाद सिस्टर्निया अरेंज्ड इन स्टैक्स कॉल्ड सिस्टर्निया, सिस्टर्निया अरेंज्ड इन स्टैक्स कॉल्ड सिस्टर्न्स, सिस्टर्न्स. जो सिस्टर्निया है, देखिए सिस्टर्निया जो हमने देखा था एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, ऐसे ही सिस्टर्निया ये पैरेलल होते हैं एक दूसरे से, ये पैरेलल होते हैं, ये सिस्टर्निया एक दूसरे से पैरेलल होते हैं. फिर हम इनका नाम देते हैं सिस्टर्न्स. ये स्टैक फॉर्म में अरेंज होते हैं. स्टैक फॉर्म क्या होता है, स्टैक फॉर्म होता है जो एक दूसरे के ऊपर, एक दूसरे के ऊपर, एक दूसरे के ऊपर होता है. एग्जाम्पल, आप एक सिक्का लीजिए, इसके ऊपर आप और एक सिक्का लीजिए, कॉइन, आप एक कॉइन लीजिए, उसके ऊपर और एक कॉइन, उसके ऊपर और एक कॉइन, उसके तो ये क्या, एक दूसरे के ऊपर, एक दूसरे के ऊपर. तो इन्होंने एक ऐसी शेप बना दी, उसी को बोलते हैं हम स्टैक. और एक दूसरे से पैरेलल होता है. आप देखिए यहां पर आपको स्ट्रक्चर में ही पता चलेगा कि ये ही होते हैं सिस्टर्न्स, ये होते हैं सिस्टर्न. इनको हम बोलते हैं सिस्टर्निया होते हैं, इनको हम नाम देते हैं सिस्टर्न्स. क्या बोलते हैं, सिस्टर्न्स. तो ये स्टैक फॉर्म में होते हैं, एक ऐसे 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 एक दूसरे के ऊपर, और ये पैरेलल होते हैं, एक दूसरे से पैरेलल होते हैं. कौन, यही सिस्टर्न. इन सिस्टर्निया को हम बोलते हैं सिस्टर्न्स. और अब देखिए आगे क्या होता है कि ये प्लांट सेल और एनिमल सेल में दोनों में पाए जाते हैं. अब जो ये एनिमल सेल में होते हैं, ये एक न्यूक्लियर जो इसका नेटवर्क है, फ्रॉम न्यूक्लियस टू प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इसका एक नेटवर्क होता है. वो कैसे होता है, नेटवर्क की शेप में होता है, या तो वो वैक्यूल्स, वेसिकल्स, सिस्टर्निया के शेप में होगा. ये आपको इसी इस नेटवर्क की शेप में मिलेगा. अगर आप एनिमल सेल, ये प्लांट सेल, सॉरी, अगर आप प्लांट सेल की बात करेंगे तो प्लांट सेल में आपको ये ऐसे कुछ इस शेप का देखने को मिलेगा,
कुछ इस शेप का आपको देखने को मिलेगा गॉल्गी एपराइट्स। यहाँ पर ये जो प्लांट सेल में होते हैं ये क्या होते हैं, फ्रीली प्रेजेंट होते हैं, फ्रीली, उसको बोलते हैं हम डिक्टोसोम्स। डिक्टोसोम्स उस प्रोसेस को बोलते हैं डिक्टोसोम्स। ये प्लांट सेल में फ्रीली प्रेजेंट होते हैं और एनिमल सेल में एक नेटवर्क की शेप में होते हैं। एनिमल सेल में ये नेटवर्क की शेप में होते हैं, फ्रॉम न्यूक्लियस टू प्लाज्मा मेम्ब्रेन। यहां पर प्लांट सेल में क्या होते हैं, फ्रीली होते हैं। कौन फ्रीली होते हैं, यही गॉल्गी एपराइट्स। गॉल्गी एपराइट्स क्या होते हैं, फ्रीली होते हैं। और प्लांट सेल में ये क्या होते हैं, एक नेटवर्क की शेप में होते हैं। हाँ, और एक बात, इट हैज टू फेसेस, वन इज सिस फेस, अनदर इज ट्रांस फेस। व्हाट इज सिस फेस एंड व्हाट इज ट्रांस फेस, टुवर्ड्स न्यूक्लियस, जो कि न्यूक्लियस की तरफ हो, जो ऊपर वाला हिस्सा हो, ये आप जो ऊपर वाला हिस्सा है इसका, ये है सिस फेस। ये किसकी वर्ड्स है, ये न्यूक्लियस, या ये न्यूक्लियस की तरफ इसका जो ऊपर वाला हिस्सा है वो न्यूक्लियस के साथ उसको बोलते हैं सिस फेस। जो नीचे वाला हिस्सा है जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ, उसको बोलते हैं हम ट्रांस फेस। क्या बोलते हैं, ट्रांस फेस। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इट हैज टू फेस, वन इज सिस फेस, अनदर इज ट्रांस फेस। जो सिस फेस है वो किसकी ओर होता है, न्यूक्लियस की ओर। जो ट्रांस फेस है वो किसकी ओर होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की ओर। तो हमने स्ट्रक्चर में भी देखा कि कैसा इसका ऐसा कुछ स्ट्रक्चर रहता है। आप अच्छे से भी इसका स्ट्रक्चर भी देख सकते हो, आप इसकी इमेज भी देख सकते हो। तो हमने देखा कि यहाँ पर ये वेसाइकल्स, वैक्यूल्स, वेसाइकल्स ओब्लॉन्ग बैगेड स्ट्रक्चर में होता है। सिस्टर्निया, सिस्टर्निया को हम इंसानों को फिर क्या बोलते हैं, सिस्टर्न्स बोलते हैं। प्लांट सेल में ये फ्रीली प्रेजेंट होते हैं। और इट हैज टू फेस, वन इज सिस फेस, अनदर इज ट्रांस फेस। ये था कुछ इस तरह का इसका स्ट्रक्चर कि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये सिक्रेटरी वेसाइकल है, न्यूली फॉर्मिंग वेसाइकल है, जो कि कुछ ना कुछ स्टोर कर लेते हैं। ये था किसका स्ट्रक्चर, गॉल्गी एपराइट्स का। अब हम इसके फंक्शंस देखते हैं। तो चलिए इसकी फंक्शंस देखते हैं कि फंक्शंस क्या है गॉल्गी एपराइट्स की। ये स्टोर करता है, मॉडिफाई करता है, क्या स्टोर करता है, ये शुगर, ग्लूकोज, ये स्टोरेज करता है, सैक्स की स्टोरेज करता है, जो सैक है उसकी स्टोरेज करता है, जो फिर क्या करता है, उस जो स्टोर हुआ होता है उसकी मॉडिफिकेशन करता है, उसको एक पैकेज में बनाता है, उनको पैकेज में बनाता है, उन प्रोडक्ट्स को, कि सिंपल शुगर को ये कन्वर्ट कर लेता है किसमें, सिंपल, इसमें सिंपल तो कॉम्प्लेक्स ये क्या करता है, कन्वर्ट करता है, ये पैकेज, पैकेज में इसको बेचता है, ये स्टोर करता है, मॉडिफाई करता है किसको, फूड को, जो सेल के अंदर जाता है उसको स्टोर करता है, मॉडिफिकेशन देता है, और उसको एक पैकेज की शेप में उन प्रोडक्ट्स को सेव करता है, स्टोर करता है। और सिंपल शुगर फ्रॉम कॉम्प्लेक्स शुगर इन गॉल्गी एपराइट्स, ये सिंपल को किस में कन्वर्ट करता है, कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट करता है, इन्वॉल्वड इन फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम्स, जो हमारा अब नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट सेल ऑर्गेनेलीज है, वो रहेगा लाइसोसोम्स। आई होप आप सबको आज का लेक्चर बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। आप चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तब अब मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।